आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन ग्रेवी की रेसिपी। तो चलिए इसे हम झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो यहीं पे मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 लाल मिर्च है, तो ये तीखी वाली लाल मिर्च है। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने लिए हैं धनिया के बीज। 1 टुकड़ा यहाँ पे दालचीनी का है। 1 फूल चक्री है। 1 बड़ी इलायची है। 4 छोटी इलायची है। 2 तेज पत्ता है। 1 जावित्री है और 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का है। और यहीं पे मैंने लिए हैं 15 से 20 कलियां लहसुन की हैं। 2 इंच का टुकड़ा अदरक है, इसे हमें बारीक चॉप कर लेना है। तो फ्लेम पे मैंने एक तवा चढ़ाया है और यहीं पे इन सूखे मसाले को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट इसमें समय जाएगा। तो लो फ्लेम पे ही मसाले को हम रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए। और अब आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है। तो यहीं पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हमें सूखा ही ग्राइंड कर लेना है। तो इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहीं पे मैंने एक प्रेशर कुकर चढ़ा लिया है और इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। और तेल गर्म होते ही यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। और जीरा का कलर चेंज हो गया है तो यहीं पे हम डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। अगर आप लाल मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप ग्रीन चिली का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो यहीं पे हम डाल देंगे 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, तो इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो प्याज का कलर जब तक थोड़ा चेंज नहीं हो जाता है तब तक इसे हमें भूनना है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। तो बहुत ज़्यादा इसे भी हमें डार्क नहीं करना है। तो यहीं पे हम मटन को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, तो इसे अभी हमें 5 से 8 मिनट के लिए इसे हम इसी तरीके से भूनते रहेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और यहीं पे हम ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने। और यहीं पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना ली है मैंने, तो इसे भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और यहीं पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देंगे। तो एक बार हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम को आपको मीडियम टू हाई पर रखना है और इसे हम थोड़ा कवर कर देंगे। तो ये देखिए 12 से 15 मिनट हो गए हैं और इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। तो मटन को अगर आप देसी स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको इसे 35 से 40 मिनट तक के लिए इसी तरीके से आपको भूनना है, मसाले डालने हैं और इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूने 35 से 40 मिनट तक के लिए। तो यहीं पर 1 टीस्पून हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, इसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर को भी ऐड कर देंगे। मटन बनाने के लिए आप प्रेशर कुकर का ही यूज़ करें क्योंकि कढ़ाई में तो मटन पकेगा नहीं। तो बस मसाले को थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से भूनना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे थोड़ा मसाला चिपक रहा है, तो यहीं पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और फिर से इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे हमें भूनना है। तो बीच में इसे हम थोड़ा कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाले ने यहाँ पे ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। तो बस इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और इसी तरीके से इसमें भूनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटन हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो कम्प्लीटली यहाँ पे मैंने 40 मिनट तक के लिए मटन को भूना है और यहीं पे हम ऐड कर देंगे इसमें पानी। तो यहाँ पे 3 से 4 गिलास के करीब हमें पानी ऐड करना है क्योंकि मटन को पकने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसमें थोड़ा अच्छा खासा हमें पानी ऐड करना है। तो मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे जो थोड़े नीचे लगे हुए हैं। और यहीं पे हम ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई मसाला तैयार किया था। अगर इसमें से कोई एकाध मसाला जो आपको नहीं पसंद हो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। तो यहीं पे हम प्रेशर कुकर का लीड लगा देंगे और इसे 5 से 6 सीटी आने तक के लिए पकने देंगे। तो
प्रेशर निकल गया कुकर का और आप देख सकते हैं कि मटन हमारा बिल्कुल रेडी है बनके। तो आप देख के ही इमेजिन कर सकते हैं कि मटन हमारा कितना ही बढ़िया बना है। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।